लॉकडाउन की वजह से एक तरफ जहां लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई बड़े फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे फायदे जो शायद वैसे कभी संभव ना होते। इन्हीं बड़े फायदों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। साफ हुई हवा। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो गई है, कारखाने बंद है। इस तरह की गतिविधियों में लगाम लगने से शहरों की हवा साफ होने लगी है। ये तस्वीर देखिए, पंजाब के जालंधर से हिमाचल प्रदेश के धौलीधार की पहाड़ियां नजर आने लगी है। पहले यहां धुंधला नजारा दिखता था, ऐसे ही शहरों की तस्वीरें भी देखिए। साफ हुआ जल। गंगा और यमुना नदी को साफ करने के लिए ना जाने कितनी योजनाएं बनी, लेकिन वो नहीं हो पाया जो लॉकडाउन की वजह से संभव हो पाया। साफ हुई धरती। जहां तहां दिखने वाला कूड़ा कचरा अब बहुत कम हो गया है। पर्यटन स्थलों की तस्वीर भी बदलने लगी है। भर गया ओजोन का सुराख। लॉकडाउन का असर ग्लोबल वार्मिंग पर भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल के शुरुआत में वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर ओजोन लेयर में एक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद दिखा था। नासा के मुताबिक अब यह छेद भरने लगा है। ओजोन की परत हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। धरती का कंपन। यातायात, मशीन, ध्वनि प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों से होने वाला धरती का कंपन 30-50% तक कम हुआ है। इससे धरती पर होने वाले उथल पुथलों से राहत मिलेगी। साफ हवा से अच्छी सेहत। साफ हवा होने के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा, जिससे फेफड़े और सांस संबंधित बीमारियों समेत कई तरह से राहत मिलेगी। खान पान हुआ अच्छा। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घर में बना रहे हैं खाना और वही खा रहे हैं। खान पान अच्छा होने से सेहत भी अच्छी रहेगी। साफ सफाई की आदत। वायरस के खतरे से लोगों की साफ सफाई की आदत में बदलाव आया है। लोग सतर्कता बरत रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से घर की सफाई के लिए वक्त भी ज्यादा मिल रहा है। मास्क पहनने की आदत। लोग मास्क पहनने की आदत में खुद को ढालने लगे हैं। लॉकडाउन में समय मिलने की वजह से घर पर मास्क बनाए जा रहे हैं। इससे भविष्य में भी इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा जा सकेगा। सड़क हादसे न के बराबर। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम होने से हादसों की खबरें भी न के बराबर आ रही है। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज 1300 से ज्यादा हादसे होते थे, जिसमें औसतन 400 से ज्यादा लोगों की जाने जाती थी। आपराधिक वारदातें कम। लॉकडाउन की वजह से अपराध जैसे कि चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत कम सुनने को मिल रही हैं। परिवार को मिल रहा है समय। लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने परिजनों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल पा रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी से इंसान को रिलैक्स होने का वक्त मिला है। हाँ, जिनके परिजन दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए परेशानी जरूर है। लोगों की बचत बढ़ी। लॉकडाउन में सीमित खरीदारी और कम संसाधनों के इस्तेमाल की वजह से लोगों की बचत में भी इजाफा हो रहा है। आत्मनिर्भरता बढ़ी। लोग सीमित संसाधनों में जीना सीख रहे हैं और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने पर जोर दे रहे हैं, ताकि अपने ही पास उत्पादन हो सके, उनकी पूर्ति हो सके। जानवरों को राहत। लॉकडाउन से जानवरों को भी बड़ी राहत मिली है। इंसान के दखल से परेशान जानवर बेखौफ घूम रहे हैं। वातावरण साफ होने से पक्षियों का कलरव पहले के मुकाबले ज्यादा सुनाई दे रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।